कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति अनुदान प्राप्त बेसरकारी कॉलेज कर्मचारी को ग्रांट इन एड वृद्धि पिछला भावे या 2022 जनवरी 1 तारीख रु लागू हेबो या द्वारा 15,771 शिक्षक उपकृत हेबे। मुख्यमंत्री को अध्यक्षता रे बसीथिबा कैबिनेट बैठक रे 12टी प्रस्ताव रे मोहर बाजिछि। सेपरी ग्रामीण पाइप जल जोगाण रे 2टी प्रकल्प को अनुमोदन करा दैछि। जाजपुर बरी ओ कोरेई ब्लॉक रे निर्माण हेबो एही प्रकल्प। सेपरी नयागढ़ दशपला गणिया और नुआ गाँव में हेबो तीनोटी पानी जल प्रकल्प। मलकानगिरी चारोटी पानी जल प्रकल्प को कैबिनेट मंजूरी मिली। खैरीपुट मलकानगिरी माथिली और कालीमेला रे ए प्रकल्प हेबो। ओबीसी कमिशन आईन रे संशोधन निष्पत्ति नेछि कैबिनेट। जीएसटी वाणिज्य कर डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति अधिनियम संशोधन होइछि। विभागर 12 गोटी प्रस्ताव उपर आलोचना होइछि एवं 12 गोटी प्रस्ताव को माननीय कैबिनेट स्वीकृति प्रदान करिसेंती। उच्च शिक्षा विभागर ग्रांट इन एड टू एलिजिबल एम्प्लॉइज ऑफ एडेड नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस इंक्लूडिंग एस्ट वाइल जूनियर कॉलेजेस आज पर ओडिशा रिवाइज स्केल ऑफ पे रूल्स 2017 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। गत वर्ष विभिन्न वर्गर महाविद्यालय कनिष्ठ विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय मानक एक संशोधित वेतन हार नियम करा जायथिला। केतेक वर्गर कर्मचारी यही वर्धित अनुदान को नहीं राज्य सरकार को दृष्टि आकर्षण करथिले एवं राज्य सरकार को दाबी जणायथिले एथरे किछि परिवर्तन आणिया पई संशोधन आणिया पई ताकू विचार करी आज राज्य सरकार 1/1/22 थारु अनुदान निमन्ते देवा निमन्ते ओडिशा संशोधित वेतनहार नियम 2017 को 1/1/22 थारु लागू करिया निमन्ते सिद्ध करा जायछि। प्रकृत आर्थिक अनुदानटा 1/1/22 रु दिया जिवो एवं यहाद्वारा 15,771 जन शिक्षक एवं अणशिक्षक कर्मचारी उक्त वर्धित आर्थिक अनुदान पाई उपकृत हेबे। एथिपई राज्य सरकार वार्षिक अतिरिक्त 290 कोटी टंका व्यय करिवे।